वेलकम टू बिल्डिंग एंड प्लानिंग कंसल्टेंसी। आज हम बात करेंगे 26 बाय 50 फीट के हाउस प्लान के बारे में, जिसका हमने पहले प्लान आपको दिखाया था। उसका हम 3D व्यू देखते हैं कि कैसे कैसे बनने के पूरे प्रोसेस को। ये हमारा पिलर बन रहा है, ऐसे हमारे पिलर बनते जाएंगे, उसके बाद फिर हमारा आगे का वर्क होगा। और ये हमारा प्लिंथ लेवल हो गया, और ये हमारे दो पिलर हो गए कैनोपी के लिए, और ये हमारा नीचे का ग्राउंड बीम बन रहा है। अगर आपका बिल्डिंग हाइट पे बनना है तो आपको ग्राउंड बीम ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपको मिट्टी फिलिंग के बाद आपका कहीं पे क्रैक ना आए या फिर आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ये हमारा प्लिंथ बीम हो गया, ग्राउंड बीम, और उसके ऊपर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं ताकि हमारा फ्लोर जो है हाइट पे बने और उसमें हम मिट्टी फिलिंग कर सकें। तो हमारा वॉल ग्राउंड बीम के ऊपर बन गया। और ये हमारा प्लिंथ बीम बनना स्टार्ट हो गया। अगर आपको हाइट पे घर बनाना है तो आप इसी तरह के तरीके से बनाए, ताकि आपको बाद में मिट्टी फिलिंग के बाद आपको कहीं पे भी दीवार में क्रैक का इशू ना फेस करना पड़े। ये हमारा फ्लोर बन गया प्लिंथ लेवल पे, और ये हमारा स्टेयर केस, और बाकी पीछे से हमारा दीवार बनना स्टार्ट हो गया। इसमें हमारे एक किचन, एक बीच में टॉयलेट, और सीढ़ी के साइड में एक गेस्ट रूम बन गया। और यहाँ पर हमारा हॉल बन गया, और सामने सीढ़ी के नीचे पार्किंग, और ये हमारा इसमें एक रूम और एक टॉयलेट। और जो सीढ़ी के आगे का स्पेस है वो हमारा दो कार के लिए पार्किंग हो गया। आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है 3D में। और ये हमारा आगे का बाउंड्री वॉल हो गया कैनोपी के बीच का। और ये हमारा स्लैब बीम हो गया 1 फीट का, क्योंकि हमारे जो इस दूरी है पिलर से पिलर थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए हमने 1 फीट का पिलर बीम दिया है डेप्थ में। और ये हमारा आगे का कैनोपी हो गया, ताकि बरसात से हमारा सुरक्षित रहे पिलर। और ये हमारा पैरापेट वॉल हो गया सीढ़ी के लिए। एनिमेशन में बनते हुए देख रहे हैं। और ये हमारा स्लैब तक रेडी हो चुका है, और ये हमारा पैरापेट वॉल, और आगे में हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा बना हुआ है। और ये सामने से देख सकते हैं कि बनने के बाद 3D व्यू में कैसा होगा। अगर आप इसका 2D प्लान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये आप चारों साइड से देख सकते हैं कि 3D व्यू में बनने के बाद कैसा दिखेगा। और ये हमारा बैक साइड का व्यू हो गया, और ये हमारा साइड से। और ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर कुछ क्वेरी